नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आ जाना फिर से, हम वापस चंबा से आने जयपुर जा रहे हैं। वही 600-650 किलोमीटर का सफर है। कल रात के है ना 3-3.30 बजे करीब हम पहुंचे थे, मगर ना वापस निकल गए हैं। और अभी बच रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं। अब मिलते हैं रास्ते में, आप दिखाते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो इस व्लॉग में मेरे साथ मेरी बहन भी है। अभी हम अपने घर से निकल चुके हैं। ये यहाँ का ओवर खबर रास्ता है, ऑफ रोड है पूरा, थोड़ी सी चुकी गाड़ी खाई में। तो हेलो दोस्तों, हम इस रास्ते में आ चुके हैं पहाड़ के लिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गाड़ी खाई है और हम अभी समुद्र तल से बन जा सकते हैं। चाहिए जैसा कि आप सभी देख रहे हैं वीडियो कि घुमावदार रास्ता, अगर आप काफ़ी तेज चलना चाहें तो नहीं चल सकते, बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। कभी भी ऊपर से पत्थर नीचे आ सकते हैं, तो सब कुछ देखते हुए चलना पड़ता है। और रात में तो बहुत खतरनाक होता है, कभी कभी गुलदार, हाथी, हिरन, कुछ भी सामने आ जाता है। जैसा कि पिछली रात आया था, वीडियो में कैद नहीं कर पाए थे, बट अगर देखिए हम जरूर आप सभी को दिखाएंगे। बने रही हमारी वीडियो में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों पहुंच गए, 2 घंटे के सफर के बाद ऋषिकेश पहुंच गए। यहाँ पे जाम लगा हुआ अच्छा खासा। आगे देखिए एवरेज कितना निकाला है, वो बताओ। गाड़ी का ना डिजाइन देखिए, कितनी मस्त कर रखी है। क्या मस्त डिजाइन है गाड़ी की। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, ऐसी गर्मी में सब चाय पी लो। आज पूरा सफर रात में होने वाला है अपना, क्योंकि जयपुर पहुँचते पहुँचते है ना करीब 2-3-4 बज जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर चलानी भी नहीं है गाड़ी। मैं चलाता भी नहीं हूँ वहाँ से, नॉर्मल स्पीड पे, क्योंकि गाड़ी स्पीड से नहीं, स्वैग से चल रही है गाड़ी, स्वैग से चलती है अपनी। चलिए फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, अभी हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। हम लोग को हर खीर की मीठी मीठी भूख लग चुकी है, तो हम लोग पराठा खाने वाले हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे हमारे उस्ताद जी पराठा रोल करके सबको एक एक पराठा पकड़ाएंगे, आप लोग खाएंगे। आप लोग भी आइए खाइए पराठा, गर्मा गर्म नहीं है लेकिन ठंडा ठंडा, लेकिन खाने में बड़ा मजा आएगा। ठंडा ठंडा पराठा खिलाया जाएगा आपको। 70-80 डिग्री में चलेंगे, टेम्परेचर बड़ा गर्म है यहाँ। ये रहा मेरा कॉलेज का बोर्ड, सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ। अच्छा गजब भाई, इन्होंने अभी तक डिग्री नहीं दिया। और ये कॉलेज इतना अच्छा अभी तक डिग्री नहीं दिया। ये वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा, भीड़ देखो यहाँ पे, पता नहीं किस मतलब का है, फास्टैग लगा रखा है, ऐसे भीड़ लगी है। यही है ना, एक लाइन, 3 लाइन है उधर भी, 3 लाइन वाला है। अच्छा उधर देख लो, वन साइड की है ना, 6 लाइन लगी है। देखो 1-2-3-4-5 लाइन तो यही दिखनी होगी, और आगे भी लगी हुई है वहाँ तक। फाइनली सफर का इम्तहान खत्म हो चुका है, हम होटल में आ चुके हैं। हरिद्वार से बोलते आए थे कि अब रुकेंगे जयपुर से, बस 150 किलोमीटर पहले रुके हैं। 500 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम सब ये बोल रहे थे हाईवे किंग पे खाना है। अब हाईवे किंग का खाना है ना, वहाँ से 550 किलोमीटर दूर था हरिद्वार से, भूख की वजह से पेट में दर्द। रात के कितने बजे हैं अभी, कितने बजे हैं? 2 बज रहे हैं करीब रात के। जाने कुछ खाया नहीं है सुबह से ही, 4 बजे के निकले मैम। जैसा कि हम वीडियो में बताते आप लोगों को, हम लोग खाना खाएंगे, बड़ा उत्साह था लेकिन लड़ते हुए चले आ रहे थे, लेकिन लास्ट में हम लोग के साथ हो गया धोखा। अभी मैं कॉफी और सैंडविच के साथ, धोखा इनके चेहरे पे नजर आ रहा होगा, रात गुजारना पड़ेगा खाली कॉफी और सैंडविच के साथ। मीठा हो गया सबसे ज़्यादा मूड इनका खराब है, बेसब्री से खाने का, हाईवे किंग के बोर्ड का इतना इंतजार किया था। स्कैम हो गया। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है, तो बताइए खाना कैसा लगा आपको? खाना नहीं था, नाश्ता था, कॉफी और सैंडविच। खाना आगे खाएंगे जैसा। नो कमेंट उस्ताद, एकदम विधायक लग रहे हैं। बाल वाल सेट, हम बिखर गए लेकिन अभी तक वैसे के वैसे। उस्ताद बिल्कुल सेट है। नो कमेंट, अगले वाले होटल पे देखते हैं। तो दोस्तों सुबह के 5 बजे हैं, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। करीब 1270 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं पिछले 2 दिनों में। इधर का गेट बस अभी तो कोई आया ही नहीं अंदर से खोलने, इतनी जल्दी कोई उठता ही नहीं है, हम ही नहीं उठते, तो ये तो हमारी गलती ना उठने वाले। हाँ चलिए
अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।